गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये मेरे वीडियो का चौथा भाग है। वीडियो थ्री में हमने एक पेपर में आए कुछ सेंटेंस करेक्शंस, मेरे ख्याल से पांच थे वो, उनको सॉल्व करने की आप लोगों के साथ में अपने सॉल्व किया था उसको। और आज इसी क्वेश्चन पेपर का जो अगला पार्ट है, जो फिल इन द ब्लैंक्स पे आधारित है, उसको आज अपन करेंगे। लेकिन मैंने ऐसे मन में विचार किया है कि जब भी कोई मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों के साथ में एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा थॉट शेयर करूं। आज का जो थॉट है वो मैंने एक बुक पढ़ी थी आज से कई वर्षों पहले, जिसका नाम था प्रेस्क्रिप्शन फॉर पीस। को पता है डॉक्टर जो पर्ची लिखता है इलाज की, वही है। और ये इसका अर्थ है आपका कि शांति का क्या इलाज है, शांति कैसे पैदा की जाए, दिल में, मन में, फैमिली में, देश में या दुनिया में। तो इसका जो एक शानदार सा कोट था, उसको आप कोटेशन भी कह सकते हैं, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इसमें लिखा था बच्चों कि वॉर बिगिंस इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल एंड इट इज देयर दैट द डिफेंसेस मस्ट बी बिल्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कोटेशन आपका, है ना। और इसका अर्थ हो गया कि युद्ध जो है लोगों के दिल से शुरू होता है, और इसलिए, और डिफेंस का मतलब मोर्चे का मतलब क्या हुआ, उस वॉर से बचने के लिए, लड़ने के लिए जो आपने मोर्चे बनाए। तो इसका अर्थ, भावार्थ बहुत लंबा छोड़ा, आप लोग सोचते रहना, लेकिन इसका अर्थ यही है कि आपका युद्ध लोगों के मन में शुरू होता है, इसलिए आपने मोर्चे बनाने, तो लोगों के दिलों में बनाओ। इसके ऊपर अपना थोड़ा विचार करो, इसका निकालिए आपका क्या अर्थ निकल सकता है। एनीवे, लेट अस बिगिन द नेक्स्ट सेशन। जो इस पेपर का अगला सेशन था बच्चों, वो फिल इन द ब्लैंक्स का था। उसमें मैं आपके सामने उस पेपर को, क्वेश्चन को यहां पर पेस्ट करता हूं और फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ में डिस्कस करूं, जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स पे आधारित है, मैं चाहूंगा कि दो एक बातें मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बता दूं। फिल इन द ब्लैंक्स कई तरह के होते हैं बच्चों, और इनफैक्ट जो क्लोज टेस्ट आता है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स का ही उदाहरण है। ये जो अपना फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये कई तरह के होते हैं। इनमें एक तरीका है विच इज कॉल्ड ग्रामेटिकल फिलप्स। ये आजकल नहीं आते हैं, उसका कारण ये है कि ग्रामेटिकल फिलप्स थोड़े से आसान माने जाते हैं। इनके अंदर आपका आर्टिकल्स का इस्तेमाल, डिटरमिनर्स का, प्रपोजिशंस का, हालांकि प्रपोजिशंस के तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और साथ में आपके कंजक्शन वगैरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। लेकिन आजकल के जो ज़्यादातर आपके जो फिलप्स आते हैं, दे आर लेक्सिकल वर्ड्स पे आधारित। आपका एक बार मैं आपको बताया था कि लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं। ग्रामेटिकल, देखो पाँच नौ आपके पार्ट ऑफ स्पीच अगर डिटरमिनर्स या आर्टिकल्स में डाल दो आप, तो होते हैं। उनमें से चार लेक्सिकल वर्ड्स पे आधारित होते हैं, है ना। उसमें बहुत सारे नियम भी हैं, लेक्सिकल वर्ड्स भी हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। और जो बाकी पांच हैं उसमें कोई लेक्सिकल वर्ड्स नहीं होते, सारे ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं। ये पांच कौन से बच गए अभी आपके, एक आपका प्रोनाउन बच गया, है ना आपका, एक आपका डिटरमिनर्स में जिसमें आर्टिकल्स वगैरह आएंगे वो बच गए, एक आपका उसके अंदर आपका प्रपोजिशन बच गया, कंजक्शन बच गया और इंटरजेक्शन बच गया। ये पांच आपके दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर फिलप्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो ऐसे आते हैं जिनमें आपने लेक्सिकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ना आपका। अब इसको करना कैसे है, हालांकि आपकी वॉकअप अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वॉकअप के साथ साथ में एक और चीज़ आपको डालनी पड़ेगी, और वो है आपके कोलोकेशंस। तो कोलोकेशंस क्या होते हैं, कोलोकेशन कुछ नहीं है, एक तरह का वर्ड ऑर्डर है, इसको आप वर्ड ऑर्डर कह सकते हैं, इसका नाम कई लोग इसको वर्ड एसोसिएशन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कहें आप। इसका अर्थ होता है कि ये जो शब्द हैं ये निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ आते हैं। कुछ शब्द मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ अगर आपको, ठीक है, जैसे चाहे वो फ्रेज हो, कुछ भी हो, तो वर्ड्स का कुछ ऑर्डर होता है। जैसे एक फ्रेज है टू ईक आउट ए लिविंग,
मैं कई बार फ्रेज में टू लगाता हूँ, उसके पीछे मकसद मेरा यही होता है कि वो टू के बाद में आने वाला वर्ड आपका वर्ब होता है। इसका अर्थ होता है टू अर्न ए लाइवलीहुड, इसका मीनिंग होता है जीविका उपार्जन करना, टू अर्न अ लाइवलीहुड। बल्कि मैं आपको अगर ये कहूँ कि अर्न के साथ में जो लाइवलीहुड मैंने लगाया है और उसके पहले मैंने आर्टिकल लगाया है, तो ये भी एक कोलोकेशन है। तो कोलोकेशंस कुछ शब्द जो साथ में इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो ईक आउट ए लिविंग है, इसमें ई की जगह आप कुछ नहीं लगा सकते, आप आउट वर्ड को नहीं हटा सकते, लिविंग के आगे आर्टिकल नहीं हटा सकते, आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी को आपने पूछना हो कि आप जीविका उपार्जन के लिए क्या करते हैं, तो कैसे कहोगे, व्हाट डू यू डू, या हाउ डू यू, या हाउ भी कह सकते हो, हाउ डू यू ईक आउट ए लिविंग, ये हो गया इसका प्रयोग, क्या आप जीविका उपार्जन के लिए क्या करते हो। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज बता रहा हूं आपको, ये जो फ्रेज है आपका, ये बहुत पैसे कमाने के लिए नहीं होता है, ये हैंड टू माउथ वाला काम है। इसके बहुत सारे फ्रेजेस है, उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये पेपर आपका सॉल्व होगा नहीं। लेकिन आपको इतना सा बता दूं कि कोलोकेशन को जानना बहुत जरूरी है, और कोलोकेशन चाहे फ्रेज के रूप में हो या दो शब्दों, तीन हो, चार हो, ये कोलोकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं शब्दों का, लेक्सिकल का। कोई आदमी बहुत खाता है तो उन कहते हैं ही इज अ वोरेसियस ईटर। अब वोरेसियस साथ में ईटर लगता है और साथ में रीडर भी लगता है, बता रहा हूं आपको। अगर आपने कहना है कि आदमी बहुत पढ़ता है तो बोलो ही इज अ वोरेसियस रीडर। इसका अर्थ क्या बच्चों आपका, कि वो किताबें बहुत पढ़ते हैं, मतलब समझ लो कि महीने में, हफ्ते में दो तीन किताबें तो वो पढ़ ही डालता है, ठीक है। और बहुत खाता है तो बोलो ही इज अ वोरेसियस रीडर, या बोलो वोरेसियस ही टू है, इसका फ्रेज बनता है टू हैव अ वोरेसियस एपेटाइट। एपेटाइट का तो था भूख, है ना आपका। तो जो आदमी खूब खाए, तो एक आदमी अपने घर में अपनी वाइफ को फोन कर रहा है कि मेरा फ्रेंड आएगा, तो खाना खाने के लिए खाना बना लिया, कि वाइफ ने खाना बना लिया, तो उसने कहा नहीं थोड़ा और बना लेना, तो वाइफ ने कोई बात नहीं बना दूंगी मैं, एक आध फुल का काम खा लूंगी, ठीक है ना, दस फुलके तो हैं, दो तीन फुलके और बना लेता हूँ। तो दोस्त ने कहा दो तीन फुलके से काम नहीं चलेगा, जो मेरा फ्रेंड यहाँ आ रहा है ही हैज अ वोरेसियस एपेटाइट, इट मीन्स वो बहुत खाता है। तो ये शब्दों के कोलोकेशन हैं, जो बहुत लिखता है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोलिफिक राइटर। अभी उल्टा उल्टा नहीं कर सकते आप, ये समझा रहा हूं आपको, दीज आर कॉल्ड कोलोकेशन। आप ये नहीं कह सकते इज अ वोरेसियस राइटर, यू कांट से दैट, इज अ प्रोलिफिक राइटर, इट मीन्स ऐसा आदमी जो बहुत लिखता है, महीने में शायद उसके चार पांच आर्टिकल्स आ जाते हैं और साल में एक दो किताबें भी बाहर आ जाती हैं, पब्लिश हो जाती हैं, तो मैं कहूंगा इज अ प्रोलिफिक राइटर, बहुत लिखता है वो, है ना आपका। जैसे किसी आदमी की कोई भूख है नॉलेज की, तो उसके लिए फ्रेज बनता है इनसेशियबल हंगर, और आगे लगा सकते हो ही है, और सेंटेंस बनाओ बोलो ही हैज एन इनसेशियबल हंगर फॉर नॉलेज। एक होता है अनक्वेंचेबल थर्स्ट, और अनक्वेंचेबल थर्स्ट का अर्थ होता है ऐसी प्यास जो बुझाई ना जा सके किसी भी चीज के नॉलेज के लिए। अब दोनों को आप शब्दों को एक दूसरे के साथ में चेंज नहीं कर सकते, आप इनसेशियबल थर्स्ट नहीं कर सकते, आप अनक्वेंचेबल हंगर नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं आपका शब्दों का वर्ड ऑर्डर या वर्ड एसोसिएशन या कोलोकेशन, किसी भी नाम से आप पुकारो, ये जानना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को अपने जीवन में सफल होना है, एग्जाम में नहीं जीवन में, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको कोलोकेशन की डायरी बनानी चाहिए और उसमें बिना किसी ऑर्डर के सारे कोलोकेशन को लिखना चाहिए। डायरी के लेफ्ट साइड में आप कोलोकेशन लिखें और उसके राइट साइड में आप एक सेंटेंस लिख दें। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, ही हैज एन इनसेशियबल हंगर फॉर, ये सेंटेंस बन गया फॉर नॉलेज। कैसे लिखोगे, ही हैज एन इनसेशियबल, इनसेशियबल कर दो जो संतुष्ट ना हो सके, हंगर का मतलब हो गया भूख, फॉर नॉलेज हो गया आप, ठीक है। और अगर ये सेम चीज आप कह सकते हो आपका, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते, आप अनक्वेंचेबल हंगर या इनसेशियबल थर्स्ट आप नहीं कर सकते। अगर आपने कह रहा सेम मीनिंग है, कोई फर्क नहीं, ही हैज एन अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, एक ही बात है, एक ही बात को दो तरह से आप कहना कह सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो ज्यादा समय ना बिताकर लेट अस गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चन, और ये कोशिश करेंगे जो जो कोलेक्शन बनते हैं उन कोलेक्शन बनाइए आपका, है ना, और एक डायरी जरूर बनाओ। और मेरा कहना मानो, आप ये डायरी बनाओगे
और जब आप अफसर बन जाओगे, अच्छा सा लाइफ में सेटल हो जाओगे, तो ये डायरी अपने बच्चों को पास ऑन करना। ठीक है बच्चों, मेरा ये संदेश आपके लिए, सबके लिए, एक बहुत शानदार डायरी बनी। अब देखो कितना नॉलेज का खजाना बन जाए आपका। अब इकट्ठे करते करते चले जाओ, ठीक है ना। वोकैब के लिए अलग से लिखो। अब ये फिलअप आपके सामने है, अगर ये सिंगल फिलअप है, इसमें शायद कुछ डबल फिलअप भी हैं, ठीक है। सिंगल फिलअप को एक बार आपको लाइन को पढ़ो और फिर देखिए इसमें क्या सेंस आ रहा है, ठीक है ना। उसके हिसाब से भी देखिए शब्द करो। अगर आता है सीधा तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको, अगर सीधा आप कर सकते हो कोलोकेशन इसको बना सकते हो तो बना दीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर आपको एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ही इज वन ऑफ दोज डैश रिसर्चर्स हु वोंट टेक नो फॉर एन आंसर। अच्छा, जो आदमी ये कहता है कि आई ऑलवेज टेक, या आई ऑलवेज टेक, या आई नेवर टेक नो फॉर एन आंसर, इसका अर्थ होता है कि वो कभी हार नहीं मानता। सीधा से इसका अर्थ ही है, मतलब ये नहीं कह सकता ये काम नहीं हो सकता। अरे हो सकता भाई, ये हो जाएगा, हम कर लेंगे इसको। ऐसे आदमी को सीधा ही कहते हैं इंडिफेटिगेबल, इंडिफेटिगेबल। अब इस वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा और इस शब्द के अंदर थोड़ा घुसना पड़ेगा। इंडिफेटिगेबल का अर्थ होता है अ पर्सन हु नेवर सेज नो, काम हो सकता है, इट कैन बी डन। अ पर्सन हु इज डिटरमिन्ड, ठीक है ना आपका, हु इज डिटरमिन्ड, हु इज रिजोल्यूट, अपने काम को बारे में सोचता है कि ये काम तो मैं कर ही लूंगा, ठीक है ना आपका। ही इज फुल ऑफ एनर्जी, इज वेरी एनर्जेटिक, उस आदमी को कहते हैं जो हार कभी ना माने, जो कभी थके ना। और एक्चुअली जो मैं आपको कह रहा था, इस शब्द के अंदर थोड़ा सा आप घुसिए, तो इसके बीच में एक वर्ड है फटीग। ये आप हमको सबको आना चाहिए फटीग वर्ड। फटीग आपका वर्ब भी है, नाउन दोनों है, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा कहता हूँ जो शब्द आपके वर्ब और नाउन हो या उनके और भी पार्ट ऑफ स्पीच हो, उनको भी अलग से डायरी में नोट करें और डायरी को नाम दें वर्ड्स हैविंग मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। धीरे धीरे कलेक्ट करोगे तो मिल जाएंगे, क्योंकि किताबों में अलग से आपको ये नहीं मिलेंगे। अगर कहीं मिलेंगे भी तो वो थोड़े से होंगे, उससे काम चलेगा नहीं। फटीक का तो थकान, फटीक का अर्थ होता है टायर्डनेस, वर्ब आपके नाउन के रूप में है ना आपका, और वर्ब के रूप में टू टायर, ये टायर आउट, थकाना किसी को, टू वेयर आउट, है ना आप। तो अगर मैं किसी को कहूँ यार आपका ये आदमी किसको क्या हुआ, ये थोड़ा सा मुरझाया सा नजर आ रहा है, तो मैंने कहा ही इज मेंटली फटीग्ड, ये मानसिक रूप से थका हुआ है, शायद इसने कुछ मानसिक काम किया होगा। एक शारीरिक थकान और थकावट होती है, तो फटीक समझ गए आप क्या अर्थ होता है फटीक का, टायर्डनेस। और जब आई एन लगता है या डी लगता है, डी लगता है तो अवे हो जाता है, आई एन लगता है ये वो उल्टा हो जाता है। तो ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जो कभी थके ही ना, उसको कहेंगे इंडिफेटिगेबल, ठीक है आपका। तो बड़ा सुंदर सा वर्ड है। और अन्ना हजार जी के लिए मेरे मन में आता है, ही इज एन इंडिफेटिगेबल कंपेनर फॉर करप्शन, ठीक है ना आपका, फॉर आगे कंपेनर अगेंस्ट करप्शन। अन्ना जी के लिए कह सकते हो, अन्ना जी बड़े हैं तो जी लगाओ, अन्ना जी इज एन इंडिफेटिगेबल, हो गया फिर देखो शब्द को प्रोनाउंस करो आपका, इंडिफेटिगेबल कंपेनर। कंपेन का मतलब क्या होता है, जो लोग बहुत बड़ा बड़ा अभियान चलाते हैं, कंपेनर अगेंस्ट करप्शन। आजकल चुप बैठे में इलेक्शन टाइम है, फिर शुरू हो जाएंगे अगर लोकायुक्त सरकार ने बनाया नहीं तो। ये शानदार प्रयोग है, ये तो सीधा हो गया आपका। अगर आपको सीधा नहीं आता है तो फिर एक एक वर्ड को, एक एक ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा, जिसमें पहला वर्ड है डिफिटिस्ट। नाउ डिफिटिस्ट बंदो बच्चों वो आदमी होता है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये इंडिफेटिगेबल का उल्टा है, लेकिन उल्टा होगा नहीं, क्योंकि इंडिफेटिगेबल आपका एडजेक्टिव है और डिफिटिस्ट आपका नाउन है, ठीक है। तो ये कह सकते हो आप कि जो आदमी इंडिफेटिगेबल नहीं है वो जनरली डिफिटिस्ट होता है। जब आप एक दूसरे को कंपेयर करते हो ना बच्चों, तो नाउन के साथ करो और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव साथ में करो। डिफिटिस आपका नाउन है, इंडिफेटिगेबल आपका एडजेक्टिव है। जिन शब्दों पीछे बीएलई होता है उसमें मैक्सिमम वर्ड्स, कुछ अपवादों को छोड़कर, वो सारे सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो डिफिटिस कैसा पर्सन है आपका, जो हार को मान लेता है, ऐसा आदमी जो हार मान ले तुरंत, ठीक है ना आपका, जो सोचे कि जिसकी जीवन में कुछ होप ही नहीं है आपका, दैट पर्सन इज कॉल्ड डिफिटिस्ट। इसका मीनिंग होता है हैविंग नो होप। और जो सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, यानी एक्सपेक्टिंग टू फेल, वो हमेशा यही उम्मीद, यही उसमें रहता है, उसको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा।
कुछ काम करता नहीं, उससे पहले उसके मन में रहता है पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, और होगा नहीं, करता है वो काम लेकिन मन में क्या सोचता है, ये काम होगा नहीं, मैं सफल होऊंगा नहीं, ठीक है ना आपका। ऐसे आदमी इसको डिफिटिस्ट, तो डिफिटिस्ट में आ नहीं सकता। दोज के बाद में इज वन ऑफ दोज डिफिटिस्ट रिसेसेस वॉन्ट, दो दो नाउन एक साथ कैसे इस्तेमाल करोगे, वैसे भी फिट नहीं बैठ रहा है। इज वन ऑफ दोज डिफिटिस्ट रिसर्चर्स, चलो हो सकता है डिफिटिस्ट को आप डबल कंपाउंड नाउन को इस्तेमाल कर सको, लेकिन डिफिटिस्ट रिसर्चर्स, ठीक है ना आपका, उनके लिए आप नहीं कहोगे कि कभी हार नहीं मानते, इसलिए फिट नहीं होगा। एरोगेंट आपको आते ही है, एरोगेंट कर दो तो घमंडी, तो ये घमंडी का कोई काम नहीं है कि हु विल नेवर टेक नो फॉर एन आंसर, दैट्स राइट। घमंडी का अर्थ हो गया आदमी जिसका मत हो सोचा हुआ है, जो आदमी आपका सेल्फ कंसीटेड हो, एरोगेंट हो, हॉटी हो, है ना आपका, सुपरसीलियस हो, इन सब का मीनिंग घमंडी होता है। ऑन ए हाई हॉर्स, ये भी आपका फ्रेज है बहुत शानदार आपका, किसी आदमी का ना ये बहुत घमंडी घमंड में रहता है, मेरे पास इतनी दौलत है या इतना नॉलेज है या मैं इतना हैंडसम हूँ, बाकी सब ऐसे ही हैं, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एरोगेंट, ये सेल्फ कंसीटेड, बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए आपको। और ये सारे सारे बच्चों आपके कोलोकेशंस हैं, अलग शब्द हैं, ही इज हाई हेडेड, हाई हेडेड कह सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई हेडेड, हॉटी, बड़े सुंदर बड़े, ठीक है। एरोगेंट आदमी को अपने बारे में ये गलतफहमी होती है कि मैं सबसे बेटर हूं, ठीक है, ये भी इसमें आ नहीं सकता, तो हो गया नन ऑफ दिस, मतलब नहीं है, तो आंसर हो गया आपका सी, इंडिफेटिगेबल, जो आंसर है मैं उसको अंडरलाइन करके आपको दे रहा हूं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था या है जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। दिस एयरलाइंस इज फेस्ड विद डैश फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विथ नो होप ऑफ द गवर्नमेंट कमिंग टू इट्स, अभी बच्चों ये बहुत कॉमन कोलोकेशन है, बता रहा हूं आपको, मेरा आप कहना मान लो कोलोकेशन डायरी बनाओ और उसमें लिखना शुरू कर दो, बहुत सिंपल है, कम टू समबडीज रेस्क्यू एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है किसी का बचाव करना, किसी की मदद में सामने आना, ये फ्रेज है। तो मैं तो कह रहा हूं अगर कोलोकेशन आपके मुंह पे छड़े होंगे तो ये क्वेश्चन एक एक सेकंड में होंगे, कम टू समबडीज रेस्क्यू, मैंने क्लास में आपको बता रहा हूं कि मैं जब समबडी लिखता हूं इसका अर्थ होता है समबडी, एस बी लिखता हूं ना, तो इसके लिए, तो इसमें आप चिंता मत करना कि इसमें रेलने लगी हुई है ये क्या है ना, तो इसको हटा रहा हूं, इसका अर्थ है किसी की मदद करना, किसी की मदद के लिए सामने आना। एक लड़के ने कहा यार मेरे से गलती हो गई और पापा ने मेरी पिटाई करनी थी, लेकिन थैंकफुली माय मदर केम टू माय रेस्क्यू, तो मैं पिटाई से बच गया, है ना आपका। आपने क्या कहा, तो फिर दोस्तों ने क्या हुआ, पापा ने पीटा तेरे को, कि नहीं नहीं माय मदर केम टू माय रेस्क्यू, इसका अर्थ क्या हुआ, रेस्क्यू का आपको अर्थ आता है ना आपका, रेस्क्यू मतलब किसी को बचाना, है ना आपका। रोज आपके जब कोई प्राकृतिक आपदा कैलमिटी वगैरह आती हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, ये भी कोलोकेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है ना आपका। इंडियन हेलीकॉप्टर्स आर कंडक्टिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया, मतलब ये जो कोलोकेशन है ये बड़े शानदार है, फ्लड अफेक्टेड अपने आप में कोलोकेशन है। और मैंने क्या कहा, द इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स आर कैरी आउट का अर्थ क्या होता है, उनका संचालन करना, आर कैरिंग आउट रेस्क्यू ऑपरेशंस कहां, इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया, है ना, कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज में, बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों में, ठीक है ना आपका, आए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स बचाव के अभियान चला रहे हैं। तो अगर सीधा आता है तो सीधा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं आता भैया तो फिर आपको एक एक ऑप्शन को जाना पड़ेगा। डायर का अर्थ होता है सीरियस, ठीक है, ये डायर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी शानदार कोलोकेशन है, लेकिन आगे फिट नहीं बढ़ते, यहां पर बिल नहीं आएगा, इट्स बिल, इसको लगा के पढ़ो, दिस एयरलाइंस इज फेस्ड विद डायर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे ठीक नहीं, विद नो होप ऑफ द गवर्नमेंट कमिंग टू इट्स बेल, नहीं कम टू इट्स बेल कभी नहीं होता है, ये तो कोलोकेशन है, कम टू क्या होता है, कम टू समबडीज रेस्क्यू होता है, बेल तो आपने उसको जमानत दी उसके लिए है, ठीक है, और या किस गवर्नमेंट जब किसी ऐसी सरकारी या किसी
गैर सरकारी को भी कर सकती है और किया भी है, उसको बेल आउट करती है तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालती है, लेकिन इसके साथ में फिट नहीं बैठता, कमिंग टू इट्स बेल नहीं हो सकता। आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कमिंग टू इट्स बेल कभी नहीं होता है, यहां तक डायर आ सकता है और डायर फाइनेंशियल डायर, ये कोलोकेशन बड़ा शानदार है, प्रॉब्लम्स कह सकते हो, या डायर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कह सकते हो, क्या ना, ये शानदार है। डायर का तो सीरियस, डायर का होता है वेरी सीरियस, गंभीर। इसकी भी कोलोकेशन मैं आपको लिखाता हूं, डायर के आप सीरियस, सीरियस और बहुत ज्यादा, जैसे इसका बहुत शानदार सा कोलोकेशन है, डायर कॉन्सिक्वेंसेस, बड़ा शानदार प्रयोग है। देखो आपका डायर कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस करता परिणाम, और इसका मीनिंग हो जाता है गंभीर परिणाम, ठीक है आपका। जैसे आपने कहा आजकल क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहा है, वी कैन सी डायर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। तो डायर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, पेपर में आ भी रहा है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे तो अनाज के उत्पादन पे फर्क पड़ेगा, और उससे क्या होगा, और सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो भारत और उस पर है। तो डायर का तो होता सीरियस, ठीक है ना। एक मुझे एक फ्रेज याद आ रहा है, टू थ्रेटन समबडी विथ डायर कॉन्सिक्वेंस, बड़ा शानदार है ये। अगर आप ढंग से पढ़ोगे बच्चों तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। किसी आदमी ने धमकी दी मुझे या आपको या किसी को कि देखना मैं ऐसे तरह कर दूंगा, तो क्या कहोगे, ही थ्रेटन मी विथ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। हो गया संडेस, हो गया शानदार आपका। तो उसने मेरे को बहुत ही गंभीर चेतावनी वाली, परिणाम वाली चेतावनी दी है कि अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। तो बेल आ नहीं सकता बच्चों, बेल दूसरे फिल द ब्लैंक्स में बेल बैठता नहीं है। बेल आपका नाउन और बेल आपका वर्ब भी है, बेल नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है। बेल का अर्थ क्या होता है, एक तो अपन जो बेल देते हैं किसी को क्या कहते हैं, थाने से या जेल से छुड़ाने के लिए, वो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आप जमानत, जमानत भी है, जमानत देना भी है, ठीक है ना आपका। आई पेड हिज बेल, और इसका ये तो हो गया आपका जमानत, द मनी दैट यू पे फॉर गेटिंग समबडी आउट ऑफ प्रिजन, दिस इज कॉल्ड बेल। मनी पेड टू गेट समबडी आउट ऑफ जेल, ये तो इसका मीनिंग हो गया बेल का, ठीक है। और बेल ये हो गया नाउन के रूप में, ये आपका बच्चों नाउन है। आपको मैंने कह रहा जब भी कोई शब्द आप करते हो तो उसका पार्टवे इसमें जरूर लिखो, और आता है तो ठीक है, ठीक है। और फ्रेज है इसका टू बेल आउट समबडी, इसका तो किसी को जेल से निकालना या मुसीबत से निकालना, याद रखना। और आपका जेल क्या है, मुसीबत तो है, जेल भी मुसीबत ही है भाई, तो आपने वो ध्यान रखना है। एक भाई अपने भाई को समझा रहा है कि तू यार जब भी मुसीबत पड़ता मैं तेरे को बेल आउट करता हूं, अगली बार अगर तू मुसीबत पड़ा तो आई विल नॉट बेल यू आउट। तो कैसे कहेगा आपका, आई विल नॉट बेल यू आउट, ठीक है। आई विल नॉट, सॉरी बेल लिखना भूल गया मैं, आई विल नॉट बेल यू आउट इफ यू गेट इन टू ट्रबल अगेन, अगर दोबारा तो मुसीबत पड़ा फिर मैं तेरे को मुसीबत से बाहर नहीं निकालूंगा, ये हो गया। और बेल आउट का एक अर्थ और भी होता है, बेल आउट वाटर, ठीक है ना आपका। नाव में पानी भर गया है तो पानी तो निकालना पड़ेगा, तो के नाव में जा रहे थे और पानी बॉटम में आने लग गया, तो जो बैठे हुए लोगों ने कहा लेट इज बेल आउट वाटर। तो हाउ डू यू बेल आउट वाटर फ्रॉम द बोट, तो कंटेनर ले लो, डब्बा ले लो, टूटा फटो उसे आपका पानी को बाहर निकाल दो, यही है आपका, और क्या कर सकते हो। तो बेल आउट का मतलब ये भी होता है ना। तो बेल इसमें फिट बैठता नहीं बच्चों। फिर इनसुपरेबल आ सकता है। अच्छा हुआ क्या बच्चों, एक चीज बताऊं आपको मैं, कि देखो पहला वर्ड, तीनों ऑप्शन के पहले वर्ड, एक में तो दो ही है, एक तो दो ही हुए डायर और कॉन्सिक्वेंसेस, तो दोनों आपके पहले आ सकते हैं। अब क्या एग्जामिनर को पता है कि बच्चे क्या करते हैं डबल फिलअप में, कि पहला देखते हैं, अगर पहला फिट है फिर दूसरा देखते हैं, तो इनको ऐसे ऑप्शन दो जिसमें पहला सब में फिट है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसको ध्यान से करना पड़ेगा। नाउ इनसुपरेबल आ जाएगा, अगर आपने कहा इनसुपरेबल कोलोकेशन, इसका शानदार है, ये भी बहुत शानदार कोलोकेशन है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, समझा रहा हूं आपको,
इनसुपरेबल का अर्थ होता है कि ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप डील ना कर सकें, जिसे आप निपट ना सकें, यानी बहुत बड़ी, सुपर मतलब बड़ा, इन सुपर जिसके ऊपर आप, उससे बड़े आप हो नहीं सकते आपको, ठीक है आपका। इसका मीनिंग ये हो जाता है एंड अनकंट्रोलेबल, ये इसका मीनिंग हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, समझ आया आपका, ये इसका मीनिंग है। इसको भी कॉलोकेशन लिखे आप अपने डायरी के अंदर, ठीक है ना आपको, दैट्स राइट। आपको अगर मैं आपको कहूं कि दिस कंपनी इज फेसिंग इनसुपरेबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिल्कुल शानदार सेंटेंस, कहीं और फिल्म में काम आएगा, नहीं सुनिए आपका, दिस कंपनी इज फेसिंग, तो कितना शानदार कोलोकेशन, देखो इनसुपरेबल, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम इनसुपरेबल है तो इतनी बड़ी है कि उस पर काबू नहीं पाया जा सकता, दिस कंपनी इज फेसिंग इनसुपरेबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये इसका साधारण सा अर्थ है, साधारण सा प्रयोग है, बहुत शानदार कोलोकेशन है आपका, तो इसमें आ तो सकता है, लेकिन आगे इसके साथ में क्या वर्ड था, सॉरी डेस्टिनी, इसमें डेस्टिनी आ सकता, कम टू इट्स डेस्टिनी, क्या सेंस हुआ, डेस्टिनी तो किस्मत है। चलो मैं इसको एक बार नीचे लेके आता हूँ दोबारा, हाँ मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे लेके आ रहा हूँ, तो इसमें डेस्टिनी वर्ड नहीं आ सकता बच्चों, आप दोबारा मत लिखना इसको, आप कल केवल देख लो इसको, नहीं तो मेरे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें इनसिक्योरेबल तो ठीक है, लेकिन डेस्टिनी आ सकता है इसमें, डेस्टिनी क्या सेंस, डेस्टिनी का अर्थ क्या होता है, किस्मत, फॉर्चून, वट इज हैपनिंग, वट विल हैपन इन द फ्यूचर इज कॉल्ड डेस्टिनी, दिस इज माई डेस्टिनी, दैट्स राइट। डेस्टिनी का अर्थ होता है वट हैपन्स इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हो दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी, भाग्य, चलो आपका फॉर्चून, ये वर्ड बना हुआ है डेस्टाइन से, किस्मत में होना, लिखा होना किस्मत में, क्या लिखा हुआ किस्मत में, इफ आई से इज डेस्टाइन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, तो इसका मतलब इसकी किस्मत में लिखा हुआ चीफ मिनिस्टर बनना है, ये शानदार वर्ड है, ही इज डेस्टाइंड टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट, क्या यहीं पर खत्म होता, चलो सैन्य लंबा नहीं करते, ठीक है आप, तो इसमें डेस्टिनी फिट नहीं बैठे, फिर बैठ क्या बैठ गया, फिर रेस्क्यू बैठ गया, वो अगर पहला वाला कोलोकेशन आता तो आपको सीधा आ जाता, ठीक है। और इस रेस्क्यू वर्ड को भी करो बच्चों, ये नाउन और वर्ब दोनों है आपका, दैट्स राइट, ठीक है, वर्ब भी है, ध्यान आपका, ठीक है ना। एक कुत्ता जो है एक नाली में गिर गया, निकल नहीं पा रहा था आपको, तो आपने कहा यार या पासर भाई, आप पासर भाई का, तो वहां से गुजरने वाला आदमी रेस्क्यूड द डॉग, तो उसने कुत्ते को बचाया, तो रेस्क्यू का प्रयोग हो गया। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, तो अगले पे चलते हैं, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को जो वर्ड्स आ रहे हैं सारे कराने पड़ेंगे आपको, सब नहीं कराऊंगा तो आपकी नॉलेज कैसे बढ़ेगा। आप देखिए बच्चों, ये भी डबल फिलअप है, एक बार डबल फिलअप को पढ़िए, हर डैश शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ डैश, एज लॉन्ग एज आई हैव नोन हर सी हैज ऑलवेज बीन विलिंग टू असिस्ट दोज हु आर इन नीड, ओके, शी हैज ऑलवेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, फैक्ट है, सी हैज ऑलवेज बीन विलिंग टू असिस्ट दोज हु आर इन नीड, तो वो हमेशा जो लोग आवश्यकता थी किसी चीज की लोगों को, तो उसमें उसने मदद की, ध्यान रखना आपका, हाँ अच्छा। अब ऑप्शन को आप देखोगे, ठीक है ना, तो इसमें शब्दों का बड़ा वो है, बारीक सा प्रयोग है, ये देखो आप गौर से देखिए, आप फ्रूगेलिटी माइजरलीनेस, फिर आगे दे दिया माइजरलीनेस फ्रूगेलिटी, ठीक है ना, आप इसमें दे रखा एरोगेंस और हॉटीनेस, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि दोनों प्योरली सिनोनिमस हैं, ठीक है, ये भी आपने सीखना है, अगर दो ऑप्शन वर्ड बिल्कुल प्योरली है सिनोनिमस हैं तो अलग जगह आ तो सकते हैं, लेकिन संदर्भित वैसा होना चाहिए कि उसका एरोगेंस को हॉटीनेस नहीं समझना चाहिए, कोई सेंस नहीं है, तो सी ऑप्शन को तो आप काट सकते हो। अब आपके पास में रह गए दो ऑप्शन, अब सवाल ये उठेगा कि पहले ऑप्शन में फ्रूगेलिटी आएगा या माइजरलीनेस आएगा, ठीक है ना, आप जब कहते हो कि उसकी इस चीज को इस चीज से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना आप, ठीक है, तो क्या करोगे आप, और साथ में फैक्ट लिखा हुआ है आगे कि हमेशा उसने जो लोग जिन लोगों को किसी चीज की आवश्यकता थी वो चीज उसमें उन्होंने उसकी मदद की है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
पहला क्या आना चाहिए? अगर कोई आदमी फ्रूगल है, पहले वर्ड आना चाहिए आपको, अगर वर्ड नहीं आएंगे वॉकैब नहीं आए कैसे काम चलेगा। तो फ्रूगल बच्चों वो आदमी होता है, फ्रूगल एडजेक्टिव है ठीक है, और फ्रूगलिटी आपका नाउन है। फ्रूगल मीन्स अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी वेरी वेरी जुडिशियसली, इसका मीनिंग है ठीक है, जिसको हिंदी में अपन मितबेई कहते हैं। आपका मितबेई और कंजूस में फर्क है, मितबेई पैसे खर्च करेगा लेकिन वहीं जहां पैसे खर्च करने की आवश्यकता हो ठीक है ना, और कंजूस उसकी जान भी जारी होगी, जैसे कि कहते हैं ना कहावतों, क्या है वो, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वाला ऐसा किताब। ये किसके लिए फिट होगा? ये माइजर माइजर आदमी के लिए। ये वर्ड भी आपको आने चाहिए, फ्रूगल मीन्स अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी जुडिशियसली, ठीक ना आपका जुडिशियसली करता होता है, बहुत ही न्यायोचित तरीके से, प्रूडेंटली, बहुत ही सोच समझ कर, और करना भी चाहिए ठीक है। एंड माइजर उस आदमी को कहते हैं मक्खी चूस हो जो, माइजर का अर्थ क्या होता है, अनिकट। और ये नाउन है, ध्यान रखना बच्चों, हर शब्द का पार्ट में लिखा करो, ये नाउन है अनिकट। तभी तो निकट क्या क्या ये लगाया, आप मुझे बताने जरूरत नहीं है निकट क्या है, तो निकट नाउन है ठीक है, या आप कहिए अनिकटली पर्सन। देखा आपने कि आपने वोकैब को कितना अच्छा एक लेवल पे लेके जाना है, तभी काम चलेगा, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करोगे आप। अनिकटली पर्सन ध्यान रखना, निगड़ बच्चों आपका नाउन है, ये भी एक चीज आपको बताऊं, और माइजर आपका नाउन है। कभी किसी को ये नहीं कहना ही इज माइजर, ये गलत हो जाएगा, इसमें आपको आर्टिकल लगाना जरूरी है, दिस इज रॉन्ग, आपको बोलना पड़ेगा ही इज अ माइजर ठीक है ना आपका, या उसको बोलिए ही इज अ निगड़ ठीक है ना, ये नहीं कहना ही इज निगड़, क्योंकि निगड़ आपका बच्चों नाउन है, या बोलिए ही इज माइजरली या ही इज निगड़ली, ही इज माइजरली या निगड़ली। तो पेपर सॉल्व कराने का मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं आप लोग मेरे से सहमत हो ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल अपन पेपर सॉल्व करें, नहीं, मेन मकसद है अपनी इंग्लिश को ठीक करना, जितने ऑप्शन वर्ड आ रहे हैं उनके अंदर घुसो, उनको अच्छी तरह सीखिए, फिल द ब्लैंक्स वगैरह बड़े आराम से हो जाएंगे। ये बातें समझ आगे नहीं आए आपको, हाँ, और या तो बोलो आपका ही इज माइजरली, या बोलो ही इज अ माइजर, या बोलो ही इज अ निगड़, और या बोलो ही इज निगड़ली ठीक है ना आपका। माइजरली के लिए कुछ सिनोनिम और हैं, इनको भी सीखिए आपका, एक सिनोनिम आपका स्टिंजी, इज वेरी स्टिंजी ठीक है ना आपका, दैट्स राइट, इज वेरी स्टिंजी, क्लोज फिस्टेड, ये एडजेक्टिव्स है सारे सारे, इज क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड समझते हो आप, देने के लिए आपने हाथ आगे किया और मुट्ठी खोल नहीं रहे हो क्योंकि मन आपका कर नहीं रहा देने के लिए, तो मुट्ठी आगे हाथ दे रहे हो आप, अरे भाई किसी ने कहा खोल तो सही मुट्ठी, तो मैं यही कहूंगा इज क्लोज फिस्टेड, इज अ चीज पेयर। अब इसका मीनिंग देखो, मैंने चीज पेयरर लिखा उसका ए लगा रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, और कोई आदमी अगर चीज पेयरर है तो वो भी कंजूस है, याद रखना आप, पेयर का अर्थ होता है कुतरना, एक चीज बता रहा हूं आपको, पेयर का अर्थ क्या होता है, कुतरना, कुतरना समझते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, दैट्स कॉल्ड पेयर। जैसे मैं आपको कहूँ पेयर योर नेल्स, कट योर नेल्स भी कर सकते हो, लेकिन पेयर इसमें ज्यादा उचित है, क्योंकि जब नाखून काटते हैं तो उसके छोटे छोटे हिस्से अपन काटते हैं, तो पेयर योर नेल्स, ये बोलिए आपका। तो चीज पेयरर कैसे बना आपको थोड़ा बताता हूं, ठीक है, ये भाषा हमारी नहीं है, यूरोप से आई है ना आपका, तो वहां पर लोग चीज बहुत खाते हैं, और उनके सेलर में यानी अंडरग्राउंड कमरे में चीज के बैरल्स होते हैं, तो वो अगर अपन तो गरीब लोग हैं, अब मैं तो हूं आपको पता नहीं है, तो मैं अगर चीज लेके आऊंगा मोजरेला चीज में पिज्जा बनाना है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा ग्रेट करेंगे ठीक है, कंजूसी से इस्तेमाल करेंगे ठीक है, और वहां के लोग क्या है, चीज तो इतना बड़ा उसका है, वो पूरा पूरा डाल देंगे उसमें। अब तो एक आदमी चीज पेयर कर रहा था, छोटे छोटे उसको ग्रेड कर रहा था, तो लोग चीज पेयर, ये तो चीज को भी करता है, चीज की इसका मतलब इसके घर में चीज नहीं है। मैंने कहा ना वहां लोगों के घरों में सेलर का अर्थ होता है अंडरग्राउंड कमरा ठीक है ना, उसमें चीज के ड्रम होते हैं, इतनी चीज होती है वहां ठीक है, तो अभी इसको भी तो चीज को पेयर कर रहा है, इसको ग्रेट कर रहा है, कद्दूकस करके डाल रहा है आपका, मां कंजूस आदमी तू ठीक है ना। इसे इसका एक और शब्द है आपका पैनी पिंचर, ये वर्ड कैसे बना पता है आपका, पैनी पिंचर, पिंच का मतलब मारना होता है, ये वर्ड ठीक है, हाँ पैनी पिंचर इज एब्सोल्युटली फाइन, आपको समझाता हूं इसका कैसे। पैनी का अर्थ क्या होता है, जैसे अपना रुपया का पैसा होता है, उसे उनकी पैनी होती है पाउंड की ठीक है,
तो पिंच का मतलब होता मारना, मारने का समझते हो आप, बचाना, ठीक है। एक आदमी ए पॉइंट से बस में चढ़ा और लोकल बस थी, है ना, आपका कोई ऐसा बहुत ही उसमें स्ट्रिक्टनेस वगैरह नहीं थे, तो पीछे आके बैठ गया। एक दो स्टॉप्स निकल गए तो उसका कंडक्टर आया, हाँ भाई कहाँ से चढ़े हो, क्या पैसा पिछले स्टॉप से ही, कहाँ जाना है, वहाँ 20 रुपये लगेंगे, भैया मेरे 20 रुपये तो नहीं है। तो उसने कहा उतर यहाँ से, फिर बस रोक के उतार दिया। अब क्या वो 2-3 स्टॉप मुफ्त में आ गया, ऐसे करते करते वो अपनी जगह पहुँच गया और मन में बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने आज 20 रुपये मार लिए, 20 रुपये बचा लिए। पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं आया। पिंच का अर्थ होता है मारना, यानी किसी चीज को पैसे बचाना है, कुछ भी बचाना, पिंच करना। और अगर मैं आपको ये पिंच माई पेन, तो ये चोरी करना नहीं है, ये देखा जाए तो चोरी है, लेकिन चोरी तो वो होती है कि जो आपके अनजाने हो, ये तो आपसे पेन मांगा उसने, अभी देता हूँ भैया, अरे वापस देता ना मेरे को यार, मेरे बहुत बढ़िया पेन है, हाँ दे दूंगा, फॉर्म भरने के लिए जा रहा हूँ, और लिखते लिखते वो गायब हो गया, दूसरे से मिला, क्लास फेलो थे, अरे भाई मेरा पेन घर पे रह गया, कल लेके आऊँगा। फिर कल आया, जो मांगने वाला था अगले दिन वो नहीं आया, तो मौका मिल गया उसका, मैं तो लेके आया, तू आया नहीं, अब पेन घर पे रखा हुआ, संभाल के मैं लेके आऊँगा। ऐसे करते 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 वो पेन उसने मार लिया। तो ये कहूँगा, ही पिंच माई पेन, ही पिंच माई शर्ट, ठीक है ना, ये सब सीखा करो, पिंच आना चाहिए। और पिंच का मतलब चुटकी भर के भी होता है, ठीक है ना, आपका पिंच ऑफ सॉल्ट मीन्स चुटकी भर के नमक। ये शब्दों की कोलोकेशन है बच्चों, मैं भी आदत से मजबूर हूँ कि मैं केवल सवाल पे केंद्रित नहीं रहता, मैं ये सोचता हूँ कि जो कुछ आ रहा है वो आपको सब कुछ आए, अब पिंच ऑफ सॉल्ट ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आप एक बहुत शानदार फ्रेज है, टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये सब मीनिंग जुड़े हुए हैं, टू टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पता है इसका अर्थ क्या होता है, जो कहे उस पर वैसे वैसे विश्वास नहीं करना, आपके मन में ये कहना कि इसमें ये गलत हो सकता है, ये झूठ हो सकता है, ठीक है, या नहीं है आपका। अगर किसी ने कहा कि प्रिंसिपल साहब सब लोगों को 10 मार्क एक्स्ट्रा देंगे जिन्होंने कल परसों श्रमदान किया था, तो आपको क्या, आपके फ्रेंड ने कहा, तो आपने कहा यार ये पता नहीं सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, प्रिंसिपल ने वैसे कह दिया होगा, ऐसे कैसे करेंगे, तो है ना आपका, आई विल टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या हुआ। और आपको किसी को कहना हो तो क्या कहोगे, यू शुड टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये कहीं और आपके कॉलोकेशन होकर जबरदस्त काम आ जाएगा, विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या अर्थ है इसका, कि तेरे को ये पूरा का पूरा सच नहीं मानना चाहिए, इसमें कुछ गलत हो सकता है, तेरे को इसमें डाउट करना चाहिए, यू शुड नॉट बिलीव इट एज इट इज सेड टू यू, यू शुड थिंक दैट इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, इसको कहते हैं टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको बोलो बच्चों, अगर मुंह पे चढ़ गया आपका बहुत आसानी होगी, पिंच के बहुत सारे अर्थ हैं, समझ आया आपका। और अगर आपका जूता काट रहा हो तो आप में, अब ये भी पिंच का मतलब काटना भी होता है। अब कोई आपको कहे कि भाई इसको इंग्लिश में बोलो कि मेरा बायां जूता काट रहा है, तो ऐसे थोड़ी कहोगे आप कि माई लेफ्ट शू इज बाइटिंग मी, हाँ शू है कोई आपका कुत्ता तो नहीं काटेगा आपको, तो क्या कहोगे आप, ये कहोगे कि माई लेफ्ट शू इज पिंचिंग मी, लेफ्ट शू इज पिंचिंग। तो जो भी चीज आपको काटे, चुभे, आपको ट्रबल करे, वो आपको पिंच कर रही है। एक के दुकानदार में छोटा खर्चा होता था, आता था चाय पिलाए, जो आया उसको चाय लाओ भाई, डबल चाय लाओ। और मैंने के अंत में हिसाब लगाया तो पैसे बहुत हो गए। अब अपने दोस्तों कह रहा है यार दी स्मॉल एक्सपेंसेस आर पिंचिंग, तो यार ये छोटे खर्चे जो है मेरे को बहुत ट्रबल कर रहे हैं, पिंचिंग वाले ट्रबल करना। देखा आपने बच्चों कैसे सीखोगे आप, तो आपने बहुत कुछ सीखना है। एनीवे एक बार सवाल पे वापस आओ, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि नीचे लेके आता हूँ, है ना, ताकि ऊपर नीचे अपने को ना करना पड़े। तो बच्चों इसमें देखो, अब दोनों का अंतर आ गया आपको। माइजरली आदमी वो होता है जो बहुत कंजूस होता है। आप क्या कहना चाह रहे हो, अरे उसकी मितव्ययता को आपने कंजूसपन नहीं माना, क्योंकि जब से मैं उसको जानता हूं तब से वो हमेशा लोगों की मदद करती है, जिन लोगों को मदद की आवश्यकता होती है। इसका मतलब वो आदमी फ्रूगल है, कंजूस नहीं है। अब समझ आ गए आपके, तो ये ऑप्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। और मैंने बता दिया था आपको
कि एरोगेंस और ऑटिनेस का इसमें तो कोई रोल है ही नहीं। आई होप कि आपको समझ आ गया आपका। हम ठीक है, बड़ा शानदार वर्ड है ये, ठीक है। फ्रूगल, फ्रूगल मितवेई एडजेक्टिव, फ्रूगेलिटी मितवेयता, पारसी पारसी मनी, फ्रूगलिटी का दूसरा सिनोनिम है पारसी मनी, ठीक है, पारसी मनी। मितवेयता बड़ा हिंदी में बड़ा सुंदर शब्द है, मितवेयता, मित वेयता, कम करें खर्चा, कम कम करें, ज्यादा नहीं आपको, ठीक है। और अब हिंदुस्तानी है तो मितवेयता हमारे खून में है, वी आर वेरी फ्रूगल, मोस्ट ऑफ अस, नॉट एवरीबडी, दे आर वेरी रिच पीपल एंड दे डोंट नीड टू बी फ्रूगल, दे कैन स्पेंड देयर मनी विद बोथ हैंड्स, ठीक है ना आपका। तो जो लोग बहुत खर्चा करते हैं उसका उल्टा है ये वर्ड आपका, ठीक है। जो बहुत खर्चा करते हैं उनको कहते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट। कितने सब सीखने पड़ते हैं, माई गॉड, लेकिन सीखना पड़े बच्चों में, बचाव तो कोई है नहीं आपका। और किसी आदमी का कहना ये बहुत खर्चा करता है, ऊल फैल खर्च करता है, तो मैं इज वेरी एक्स्ट्रा वैगेंट, इज वेरी एक्स्ट्रा वैगेंट, इज प्रोडिगल, इज प्रोडिगल, इज प्रोफ्लिगेट, प्रोडिगल। हाँ बच्चों, स्पेलिंग ठीक करना है। अब देखो जैसे मैंने स्पेलिंग गलती रहने लगी, ये तो फायदा है, आप तो कोई वर्ड गलत नहीं पहुंचेगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। और एक्स्ट्रा वैगेंट जो एडजेक्टिव है उसके सिनोनिम हो गए बच्चों, है ना, और इसका नाउन होता है एक्स्ट्रा वैगेंस, एक्स्ट्रा वैगेंस, ठीक है, या प्रोडिगलिटी, प्रोडिगलिटी, शब्दों को साफ साफ प्रोनाउंस कीजिए, प्रोफ्लिगेसी, प्रोफ्लिगेसी, बड़े आराम से इसको बोलिए आप, याद हो जाएगा आप। एक आदमी था, वो उसका दिवाला निकल गया और किसी ने बोला इस एक्स्ट्रा वैगेंस या प्रोडिगलिटी या प्रोफ्लिगेसी वॉज द कॉज ऑफ हिज बैंक्रप्सी, अब हिज, अब देखो डबल फिल बन गया आपका, वॉज द मेन कॉज, कोई दूसरे कॉज भी रहेंगे लेकिन ये मेन कॉज ये था, मेन कॉज, मेन कॉज ऑफ इज बैंक्रप्सी। दूसरा वर्ड मैं लिख देता हूं लेकिन उसको फिलअप बना के आप इसको फिलअप में डालें, एक बार मैं सिखाऊंगा आपको कि आपने जो भी शब्द आप सीखते हो है ना उनको आपने फिलअप में कैसे कन्वर्ट करना है। इसको बैंक्रप्सी को मैं तो अभी तो मैंने लिख दिया है, इसका दिवालियापन, लेकिन आप लोगों ने इसको फिलअप बना के कॉपी में लिखना है। His extravagance, या his prodigality, या his profligacy was the main cause of his bankruptcy. Bankruptcy का अर्थ होता है दिवालियापन, है ना, bankruptcy, इसको कहते हैं insolvency, ठीक है ना आपका। Being in the red, his company is in the red, इसका कंपनी का दिवालिया निकल गया है, तो bankrupt आपका adjective होता है, this company has become bankrupt, ठीक है ना आप। Insolvent, इनका इस्तेमाल कैसे करोगे बच्चों, कि दिस कंपनी हैज बिकम डैश डैश, क्या भरोगे इसमें मुझे बताओ, दोनों क्यों भर दो, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, या बोलो दिस कंपनी इज इन द रेड, है ना आप। और इन द ब्लैक अर्थ क्या होता है, इन द ब्लैक अर्थ हो इसका भी दिवालिया निकला नहीं है, दिवालिया नहीं निकला मतलब इसके बैंक में पैसे हैं। बैंकरप्सी को डिफाइन किया गया है कि व्हेन यू आर नॉट एबल, एनी कंपनी, एनी पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे इज क्रेडिटर्स, दैट इज कॉल्ड बैंकरप्सी, ठीक है, इसको बैंकरप्सी डिफाइन किया गया है, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पे वंस क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या होते हैं बच्चों, जिनसे आपने उधार लिया है ना आपका, और आप क्या कहलाते हो, आप कहलाते हो डेटर, यू आर अ डेटर, इसको डेप्टर नहीं कहना, बी इज कंप्लीट साइलेंट, ठीक है ना आपका, आपने उधार लिया है, ठीक है, तो आप डेटर हो, और जिनसे उधार लिया वो आप उनके, वो आपके क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स को जो आप पैसा नहीं दे सकते, इट मींस यू हैव बिकम बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, ठीक, एक शानदार सा कोलोकेशन है, ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, इसका मतलब क्या, बैंकरप्ट हुए नहीं है लेकिन बिल्कुल कगार पर है, बड़े शानदार कोलोकेशन है आपके इंसॉल्वेंसी, इनके एंटोनिम बन जाएंगे बच्चों सॉल्वेंट, ध्यान रखना आप, This company is still solvent. If I say this company is still solvent, it means this company has not become bankrupt. ये सारे शब्द हैं बच्चों जो आपको सीखने हैं, किसी न किसी रूप से सामने आएंगे और आपको करते रहना है। Unfortunately, ये वीडियो भी लंबा बन रहा है, 44 मिनट्स का हो चुका है, but I can't help it. इसको थोड़ा सा वो तो पूरा कर दें, देखता हूँ मैं कितने सेंड बचे हुए हैं ये, नो हो सकता है आराम से ये इतनी थे ये, ठीक है, तो ये इसका
फिल द ब्लैंक्स का लास्ट ही है ये, तो इसके सामने मैं आपके लेके आता हूँ इसको। हाँ ये चार ही थे मेरे ख्याल से, ये नहीं नहीं अच्छा दस हैं, पूरे पूरे दस, सॉरी ये दस में मैं लिया इसको काट देता हूँ एक सेकेंड। इसको देखिए आपके नवे को पढ़िए, द डैश वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बैट्स। अब ये बैट्स, अब ये सबको पता है ये पोचर्स कहलाते हैं, तो देख के पढ़ दोगे। पोच आपका वर्ब है, पोच का अर्थ होता है टू हंट या टू किल एनिमल्स। विच एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स, ध्यान रखना आपका, दे आर नॉट डोमेस्टिक एनिमल्स को नहीं, कोई दुधारू पशुओं को मारने के लिए नहीं आपका ही, ध्यान ना आपका, टू किल वाइल्ड एनिमल्स किसी पर्पज के लिए, जिसको पोच, ध्यान आप। अगर आपने कहना है कि दे, एक ने पूछा हाउ डू दे मेक अ लिविंग, दे पोच टाइगर्स एंड देन सेल द टाइगर स्किन्स टू वेरियस पीपल। आप और टाइगर स्किन तो बहुत महंगी है, 20-25 लाख की मिल जाती है, इसी लालच में फिर वो कई बार हाथियों को मारते हैं, इट्स वेरी क्रूअल एक्शन, ठीक है ना आपका, वो एक ट्रैप बनाते हैं जंगल में, हाथी फंस जाता है फिर उसको मार देते हैं, ठीक है ना, उसके टस्क के लिए, टस्क समझते हो आप लोग, टस्क है ना, क्या कहते हैं उसको, जो उसका हाथी का दांत होता है, हाथी दांत जैसे कहते हैं उसका दांत, टस्क वो लगे है ना। अच्छा इसमें जो मेटल, जो मटेरियल होता है वो आइवरी होती है बच्चों, ये हाथी दांत है और टस्क मतलब हाथी दांत होता है, तो ध्यान से करना आप, टस्क हाथी की सूंड नहीं है, सूंड आपकी ट्रंक कहलाती है, कई बच्चों इसमें गड़बड़ हो जाती है कि आपके सूंड क्या है, तो हाथी की सूंड, सूंड समझते हो जिसे वो पानी पीता है, ठीक है ना, और सूंड से पानी पीता है, एक तरह का पाइप ही है वो, तो दैट्स गॉट ट्रंक। और जो टस्क होता है वो हाथी के सफेद रंग के दांत होते हैं, और ये हमेशा मेल हाथी के होते हैं, और जो फीमेल एलिफेंट होते हैं उसकी छोटी होती तो है, छोटी छोटी होती हैं। अब ये बहुत महंगी है, इसके हाथी दांत के आपके बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, ठीक है ना आपका, तो इसकी बेचारों की इनकी पोचिंग होती है, तो समझ पोच आ गया आपको, अब बाकी इसमें कुछ आएगा नहीं। रेंजर्स क्यों मारेंगे, रेंजर्स की ड्यूटी उनको उनका रक्षा करना होता है, सोल्जर्स को मतलब नहीं, पोचर्स को इलीगली हंट कर रहे हो आप, बेयर्स को, रीच को, तो शायद खाल के लिए कर रहे हो, तो आप यू आर अ पोचर, है ना आप, और पोचिंग आपका नाउन है, पोचर आपका आदमी के लिए जो पोच करता है वो पोचर हो गया, पोचिंग इज इलीगल, ऐसे बोलो, पोचिंग इज इलीगल, कोई भी देश कोई भी समाज पोचिंग को लीगल कैसे मान सकता है, पोचिंग आपका प्योर इलीगल है। अब बहुत आसान था, आई होप कि आपने समझ लिया आपका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में आते हैं, दसवां सेंटेंस क्या था देखते हैं, ये दसवां सेंटेंस था, एक सेकेंड ना मैं लिख आता हूँ इसको नीचे, ये दसवां क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी इसमें सिंगल फिलअप है, ये एक्चुअली लेक्सिकल फिलअप तो नहीं है, थोड़ा आपके ग्रामर का नॉलेज उन्होंने टेस्ट किया है। इसमें लिखा इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू डैश डिसक्वालिफाइड। अब ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, हालांकि मैं आपको वब के चैप्टर में जब कंडीशनल पढ़ाऊंगा, कंडीशनल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, तब डिटेल में समझाऊंगा, बस अभी मुझे आपको इतना बताना है कि ये जो दसवां सेंटेंस आपके सामने आया है ये कंडीशनल सेंटेंस है, और ये कंडीशनल सेंटेंस की सिचुएशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी को बताने वाला सेंटेंस है, सिचुएशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। ये थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, मुझे बाद में मदद मिलेगी, ठीक है ना, अगर आपने अभी समझ लिया तो बाद में मुझे भी मदद मिलेगी, आपको भी आसानी हो जाएगी। अच्छा मुझे पहले ये बताओ बच्चों, ये आपको पता लग रहा है कि ये सेंटेंस कंडीशनल है, कंडीशन क्या होती है, अरे एक शर्त है, इफ वाले क्लॉज में शर्त होती है और दूसरे क्लॉज में उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, इसका अर्थ हो गया कि अगर तेने रूल्स को फॉलो किया होता, अगर तेने नियमों का पालन किया होता, है ना, यू डैश डिसक्वालिफाइड, तो इसमें क्या आना चाहिए, तो हमने जो पढ़ा है कि सिचुएशन इम्पॉसिबिलिटी में इफ क्लॉज आता है, बच्चों मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इफ क्लॉज होता है पास्ट परफेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा है। अगर ये आपके समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझने की कोशिश करता हूं कि सिचुएशन ऑफ पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है। अगर बच्चों अभी क्या हुआ, ये आदमी ने रूल्स को वो कर दिया,
फॉलो नहीं किया, फॉलो सिचुएशन ये है कि अगर तेने इसको फॉलो ना किया होता तो डिस्क्वालीफाई हो जाता, ठीक है ना, या वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, एक ही बात है, कैसे भी कह लो आप, ठीक है ना, कि उसने अगर तेने रूल फॉलो किए होते हैं तो तू डिस्क्वालीफाई नहीं होता। डिस्क्वालीफाई होने का अर्थ होता है किसी चीज के लिए आप अमान्य हो गए, है ना आपका, ठीक है। तो ऐसे में इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो आपका उसको अपन कॉन्सिक्वेंस क्लॉज कहते हैं, जिसमें परिणाम होता है, उसको कहते हैं रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, या उसको रिजल्ट भी कह सकते हो आप। वो हमेशा उसके अंदर वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है, ठीक है ना। अगर ये रूल आपको आराम से आता है तो आप अपने आप चूज कर लेते डी वाला ऑप्शन, कैसे, कि इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड, अगर तुमने नियमों का पालन किया होता तो तुम डिस्क्वालीफाई नहीं होते। वो डिस्क्वालीफाई इसलिए हो गया, उस नियमों का पालन किया नहीं, बाद में पकड़ा गया और उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये बच्चों को समझ आया कि नहीं, सिचुएशन इम्पॉसिबिलिटी, जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब संभावना नहीं है, ठीक है ना आपका, अब ये संभावना की स्थिति नहीं है। मैं मजबूर हूं क्योंकि अभी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जब कभी आएगा तो मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका फिलहाल का, अगला जो मेरा आपका वीडियो बनेगा है ना, मैं देखता हूँ उसमें क्या है, वो वोकैब का, प्योर वोकैब का है, उसमें पांच क्वेश्चन आपके फिलप्स के, नहीं सॉरी, सिनोनिम्स के हैं, और पांच क्वेश्चन आपके इसके हैं एंटोनिम्स के, तो ये अपने एक साथ में इनको कर लेंगे। तो एक पेपर के सोल्यूशन में क्या चार पांच वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे आपका, कोई चारा है नहीं, लेकिन ये मत सीखो हमने कितना सॉल्व किया है, आप ये सोचिए कि आपने कितना कुछ सीखा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, ठीक है ना आपका, उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं जो वीडियो अभी देख रहे हैं कि वो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन तक पहुंच जाएगा, और जब भी नया कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उन तक वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप हेल्दी।